फोगाट सिस्टर्स के बलाली गांव में बनने वाले स्टेडियम को लेकर हाल ही में ये खबर आ रही थी कि हरियाणा सरकार ने उसके निर्माण कार्य को रोक दिया है, और वो भी इसलिए रोका गया क्योंकि फोगाट सिस्टर्स ने खुलकर जींद के चुनावों में जेजेपी का समर्थन किया था। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमले किए गए, लेकिन इन सभी हमलों पर पलटवार किया है प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज ने। अनिल विज ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी सरकार की राजनीति की नीयत नहीं है, उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। अनिल विज ने कहा कि हमने स्टेडियम के निर्माण को रिजेक्ट नहीं किया और न ही काम रोका गया है, ये किसी शरारती तत्व ने अफवाह फैला दी। सुनिए इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री ने क्या सफाई पेश की। नहीं नहीं, ये कोई शरारती तत्व हैं जो बार बार इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। हमने कोई रिजेक्ट नहीं किया है और ना हम इस प्रकार का, हमारी सरकार इस प्रकार की राजनीति करती है कि अगर उन्होंने जेजेपी का समर्थन किया है तो हम वहाँ पर कोई विकास काम रोक दें। हमारी तो नीति है कि सबका साथ सबका विकास, हमने तो सारे प्रदेश में समान रूप से विकास कराया है। इसकी 1,70,00,000 रुपए की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी, हमने 21-12-17 की दे रखी है हमने तो, और ये बनाने के लिए पंचायती राज को अधिकृत भी किया हुआ है कि पंचायती राज वहां पर बना के दे, और हमने कहीं कोई वापस नहीं लिया है। नहीं नहीं, हमने कोई वापस ही नहीं लिया है, हम पैसे दे चुके हुए, सारा पैसा हम दे चुके हुए इसका। वहीं प्रदेश में एनएचएम की हड़ताल जोर शोर से चल रही है, लेकिन प्रदेश के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि ये हड़ताल पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि एनएचएम के कुछ कर्मचारी जानबूझकर हड़ताल करते हैं ताकि सरकार का काम अवरुद्ध हो सके। नहीं नहीं, बिल्कुल उनकी हड़ताल गलत है, और हमने सबसे ज्यादा, सारे देश से ज्यादा हमने एनएचएम कर्मचारियों को दिया, जो इनकी मांग थी हमने उन सारे को पूरा किया है। अब इसमें से कुछ आधे लोग हैं जो जानबूझकर जब भी सरकार का कोई कार्यक्रम आता है। अनिल विज ने ये तक कहा कि इस तरह की हड़ताल तब की जाती है जब सरकार का कोई काम आ रहा हो। अब सरकार का डीवॉर्मिंग का प्रोग्राम आ रहा है और एक बार फिर हड़ताल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ कह दिया है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। अब डीवॉर्मिंग का कार्यक्रम आ रहा है तो उस कार्यक्रम से पहले ये जानबूझ के कोई ना कोई ऐसी मांग को लेके हड़ताल करते हैं ताकि सरकार का काम अवरुद्ध हो। इसके पीछे कुछ तत्व हो सकते हैं, कोई ताकतें हो सकती हैं, इसके पीछे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अब ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट कर दो, किसी भी हालत में परमानेंट किए नहीं जा सकते। कोई ऐसी योजना नहीं है कि एनएचएम के कर्मचारी परमानेंट किए जा सकते हो, या इनको भी मालूम है, ये जानबूझ के करते हैं और ये गलत है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सत्य खबर के लिए अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।